हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो हमने स्टेनोग्राफी के लिए निकाला है। ये पार्ट वन है चैप्टर वन का, इसका पार्ट टू भी आएगा। और स्टेनोग्राफी सीखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये एक बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है जिसमें कुछ सिंबल्स के द्वारा आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हाई डिमांड पर रहती है, इसलिए ये वीडियो हमने निकाला है। तो आपके छोटे भाई का पहला वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और इसके अंदर हमने स्टेनो की वो स्टेनो के बारे में बताया, फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सोनेंट्स बताए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि फर्स्ट सिक्स कॉन्सोनेंट चैप्टर वन में। और हम शुरू करते हैं। बेसिकली अभी हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो हमारे छह कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें, अभी सिक्स कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहला होता है पी कॉन्सोनेंट, ये लाइट बनता है, मतलब हल्का। एक गहरा बनता है डार्क, एक लाइट हल्का, और ये डाउनवर्ड होता है जैसे तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन की तरह होता है। तो देख सकते हो आप ये ऐसे डाउनवर्ड पी, एक दो बार बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउनवर्ड है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करना होता है। और फिर आपका सेकंड होगा बी कॉन्सोनेंट। अब सेकंड आता है बी कॉन्सोनेंट बी, पी का साउंड आता है पा साउंड। और बी इसको ये साउंड के द्वारा अकॉर्डिंग टू साउंड सिंबल्स में चेंज किया जाता है, ये ना कि स्पेलिंग देख के। तो आपको साउंड पकड़ना है इसमें। बी डार्क बनता है, ये भी डाउनवर्ड ही बनेगा। जैसे पी बनाए, पी को डार्क कर दोगे तो बी बन जाएगा। प ब, ये ब बन गया। थर्ड कॉन्सोनेंट है आपका ट, जिसको हम टी बोलते हैं, ट वो आपका थर्ड कॉन्सोनेंट है। ये भी लाइट बनता है, लेकिन स्ट्रेट, लाइट एंड स्ट्रेट बनता है ये, लाइट एंड स्ट्रेट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट है लेकिन लाइट है जी। अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट डी, ड, इसको ड पढ़ते हैं। मैं लास्ट में आपको लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ये देखिए टी, ट और ड दोनों में लाइट एंड डार्क का अंतर बस इतना ही हो है। तो अब हम आते हैं अपने पांचवें कॉन्सोनेंट पर, जो है च, सी एच, ये लाइट बनेगा। और ये पी के बिल्कुल अपोजिट बनेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं अभी इसको तीन चार बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो पी ऐसे बनता है, जैसे बिल्कुल अपोजिट साइड में, जैसे कि वो नहीं करते हैं। इसमें सिक्स कॉन्सोनेंट में तीन तो लाइट बनेंगे और तीन डार्क बनेंगे, ज डार्क बनेंगे। ये क्या है दोस्तों, थोड़ा कैमरा वगैरह है डार्क। ये आप लोग देख सकते हो च और ड, इनको आप घर पे आधा आधा पेज प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वोवल्स वगैरह बता दूंगा, वोवल पुट करना बता दूंगा, एंड जॉइनिंग द कॉन्सोनेंट्स। ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, पी को प पढ़ते हैं। ये बेसिकली साउंड पे होता है, इसलिए इसको प
का साउंड आए वहाँ पे पी, और ब का आए वहाँ ब, बी बी, ब का आए वहाँ बी, और ट का आए वहाँ टी, और ड, ड का आए वहाँ डी लगेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, और च सी एच, इसको आपको सी एच नहीं पढ़ना, च पढ़ना है। जैसे चेंज, ईच, वो ईच कॉन्सोनेंट वॉल है, सॉरी वॉल, वो ईच में च यही लगेगा। और ज जॉय, इस टाइप से ये ज। चलो दोस्तों अब इसी बात पे आपको अलविदा बोल देते हैं, और बाकी आपको अगले वीडियो में कॉन्सोनेंट वगैरह मिल जाएंगे, आप एक बार इसको देख सकते हो। ये चैप्टर है, पहला चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है, तो अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो सेकंड पार्ट।